जगदलपुर में शहीद स्मारक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अमर जवान की प्रतिमा को ढककर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको लेकर भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह शहीद हुए जवानों का अपमान है। कांग्रेस नेताओं के दबाव में शहीदों की प्रतिमाओं को ढककर अपमान किया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों का अपमान किया गया है। दरअसल सिरहासार में स्थित शहीद स्मारक में महात्मा गांधी और अमर जवान की प्रतिमा को टेंट से ढक दिया गया है। आइसना गढ़बो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसको लेकर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि भूपेश सरकार में प्रशासन यह भूल गया कि आज विजय दिवस है और यह सब कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा दबाव में किया गया है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि सत्ता मद में मदमस्त भूपेश सरकार ने आज शहीदों का अपमान कर यह साबित कर दिया है कि महापुरुष केवल वोट लेने के लिए हैं। यह सरकार पूर्णतः अराजक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ ने ठान लिया है सरकार ने कि शहीदों का अपमान करके शहीदों की जो भूमि है जहां पे उनके स्मारक रखे गए हैं उन सब में कब्जा कर रही है और ऐसन गढ़बो छत्तीसगढ़ के नाम से जो प्रदर्शनी लगा रही है, तो क्या शहीदों का अपमान करके सरकार छत्तीसगढ़ गढ़ने वाली है? माओवादियों से हाथ मिलाकर, अराजक तत्वों से हाथ मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार एक नई परिभाषा प्रदेश को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ तब तक खड़ी है जब तक इनका टेंट उखाड़ के ये सरकार नहीं ले जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।